तो क्या चल सकाल, मैं हूं नियॉन मैन और भाई आज भी मेरे पास काफी सारे स्टोरीज है पूरे YouTube कम्युनिटी से। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आप फ्यूचर में भी ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहते हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एनीवेज तो चलिए आज के फर्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी के शार्क टैंक इंडिया वीडियो के बारे में। सो मैंने आप लोग को दिखाया था अश्नीर ग्रोवर का रिएक्शन टू हिज वीडियो, बट बाकी भी जो शार्क टैंक के जजेस है उन्होंने भी रिएक्ट किया इस वीडियो पर। फर्स्टली अमन गुप्ता जिनका रोल प्ले किया गया था भाई आकाश जोडेजा, आपने देखा होगा, उन्होंने पहले मस्ती में ये कहा प्लीज डोंट वॉच आशीष चंचलानी। देन ही सेड कौन है ये आदमी, जिस पर आशीष चंचलानी कहे अमन सर जी हैज सपोर्टेड अस फ्रॉम द स्टार्ट इवन बिफोर वी मेड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो स्पोर्टी, अब अमन जी मेरी बैंड बजाने वाले हैं। जिस पर अमन गुप्ता कहे ठाकुर तो गए हो। देन नमिता थापर जिनका रोल सिमरन धनवानी प्ले की थी वो कही आशीष चंचलानी आई रियली डिड लव हर शैडो, वीडियो का रेफरेंस है ये, आपने देखा होगा तो समझ आ गया होगा। रेड अपॉन हिम हियर्स अ गाय हु वाज एक्चुअली एन इंट्रोवर्ट एंड हैड स्टेज फ्राइट, लुक एट हिम नाउ, ही बिलीव्स इन बस्टिंग टैबूज अराउंड मेंटल हेल्थ एंड फेमिनिज्म, A man of substance behind all that humor. तो ना केवल वो वीडियो के बारे में बात की बट वो आशीष चंचलानी को एज अ पर्सन भी अप्रिशिएट की, जिसको देखकर उनको ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा लगा। एंड ही सेड नमिता थापर मैम बीइंग द स्वीटेस्ट एज यूजुअल, शी हैज बीन सपोर्टिव टू अस सिंस द फर्स्ट डे। चलो तीन शख्स इन हो गए, बस अब एक बचे हैं। ही इज रेफरिंग टू अनुपम मित्तल, वो अभी तक इसके ऊपर पब्लिकली कुछ रिएक्शन नहीं दिए अपना। बट गेस व्हाट, अश्नीर ग्रोवर फिर से आशीष चंचलानी का वीडियो शेयर किए एंड सेड दिस, बोट वालो ये सब दोगलापन छोड़ो और ये देखो, मच मोर क्रिएटिव एंड फन फॉर एवरीवन, ग्रेट वर्क बाय आशीष चंचलानी। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और भी रिकॉर्ड शेयर किए गए, 13 मिलियन व्यूज, 1.7 मिलियन लाइक्स एंड 83 कमेंट्स इन अ सिंगल डे, थैंक यू फॉर मेकिंग सस्ता शार्क टैंक अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग वीडियो ऑन आवर चैनल। सो या मेनी कांग्रेचुलेशंस टू आशीष चंचलानी एंड हिज टीम फॉर द सक्सेस ऑफ दिस वीडियो। एंड टॉकिंग अबाउट हिम, तो उनका इंटरव्यू विद कियारा अडवाणी आ चुका है, आप जाके देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले एलविश यादव वर्सेस लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो अभी इन दोनों के बीच में कुछ फ्रेंडली रोस्ट चल रहे हैं। फर्स्टली स्टार्ट हुआ था लक्ष्य के ये वीडियो से, उन्होंने फ्रेंडली वे में एलविश यादव को रोस्ट किया था थोड़ा, एंड देन एलविश यादव रिप्लाई किया लक्ष्य को अपने व्लॉग्स के थ्रू। आज के व्लॉग का तो टाइटल ही उन्होंने रख दिया ओपन चैलेंज टू लक्ष्य चौधरी, जिसमें वो ये कहे लक्ष्य चौधरी को जान से मारने कब चलना, जब तेरा मन करे, पक्की बात है ना? हाँ। लक्ष्य चौधरी को जान मारना, जान से और क्या, जान से मारना, उसका कान तोड़ देते हैं या और जुबान तोड़ देते हैं, कान जो सुने उसको, हाँ और जुबान तोड़ देते ताकि किसी को बता ना पाए उसका क्या अत्याचार हुआ, और उंगली तोड़ देते ताकि लिख के भी ना पता, वैसे भी वो अनपढ़ तो है ही, लिखना तो आता नहीं होगा उसको, ठीक है? तो लक्ष्य चौधरी भाई खुला चैलेंज है, ठीक है ना? नोएडा ना जहाँ रहे वहीं आ जाएंगे, अभी तो वहाँ आए हो, अभी तो होली मनाने अपने मुजफ्फरनगर गया, ऋषिकेश गया, जहाँ भी गया हो, मार रेंज तो बाहर है वैसे अभी तो। हाँ भाई वीडियो बनाती है, अंडरग्राउंड हो गया भाई, अंडरग्राउंड हो गया लक्ष्य भाई, बच लियो, कहां तक बचेगा, तेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं हम। इस पर रिएक्ट करते हुए लक्ष्य अपने स्टोरी में ये कहे एलविश यादव पूरा मौका दिया जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले अरुण पवार के बारे में। तो फाइनली उनके कजिन ब्रदर अजीत पवार के साथ जो गलत चीज हुआ था इन अ पर्टिकुलर ह्यूंडई डीलरशिप वो फाइनली सॉर्ट हो गया। ये डीलरशिप के ओनर खुद उनसे कॉन्टेक्ट किए एंड पर्सनली इस मैटर को देखे। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कुछ लोकल एम्प्लॉयज ने वो सब चीजें किए थे एंड उन सारे एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया गया अभी, एंड जितने भी डैमेजेस हुए उसको वो वापस पे कर देंगे पर्सनली। आप खुद देख लीजिए इस वीडियो में अरुण पवार क्या कहे। जब एक डीलरशिप आप चलाते हो तो आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, ओनर बाहर रहते हैं अक्सर, तो ओनर्स को मालूम नहीं होता कि डीलरशिप पे चल क्या रहा है, तो अक्सर गलत एम्प्लॉयज डीलरशिप में शामिल हो जाते हैं, जिनकी वजह से ये घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो हमारे अजीत भाई के साथ हुआ था। तो ये मुद्दा जब ह्यूंडई और डीलरशिप की नज़र में आया, जो डीलरशिप के ओनर हैं उन्होंने तुरंत हमको अप्रोच करा कि भाई ये बेहद गलत हुआ है, उन्होंने जितना वो अपोलोजाइज कर सकते थे उन्होंने पूरा करा, उन्होंने पूरी माफ़ी मांगी इसके लिए, और अजीत के लिए जो पॉसिबल न्याय हो सकता था उनकी तरफ से या फिर ह्यूंडई की तरफ से हमको पूरा सपोर्ट किया गया है, ह्यूंडई हो या फिर डीलरशिप हो हमसे माफ़ी मांगी गई है। हमारे पिताजी जो उस दिन मेंटली भी हरास हुए थे, मतलब प्रेशर तो भाई टेंशन आती है, उनसे माफ़ी मांगी गई है। यहाँ पे टोटली एम्प्लॉयज़ की गलती थी, पर अगर डीलरशिप की बात करें तो आज यहाँ पे जो पूरा स्टाफ था वो चेंज कर दिया गया है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे पुलिस ने भी उनके ऊपर कार्रवाई करी है। इसके अलावा जो अजीत भाई हैं उनकी तबीयत भी अभी ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट के कारण हो पाया, जो आपने हमारी मदद की है ना, उसी की वजह से आज हम आज यहाँ खड़े हैं, जो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आके। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो एज प्रॉमिस्ड फ्लाइंग बीस्ट एक फ्री शो ऑर्गेनाइज किए थे आईनॉक्स दिल्ली में, जहां पे आके लोग द कश्मीर फाइल्स मूवी देख सकते हैं हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय टिकट्स। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं आईनॉक्स डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, यहाँ पे एक हमने शो बुक कराया जो 1 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको या किसी जरूरत किसी फ्रेंड को देखनी है मूवी तो आप यहाँ आ सकते हैं,
एक बजे शो शार्प स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो चलिए अभी गेमिंग न्यूज के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो चांसेस है कि टेक्नो गेमर्स जल्द ही एक व्लॉग अपलोड करने वाले हैं, एंड ही आल्सो टॉक्ड अबाउट कोलैबिंग विद बीस्ट बॉय शुभ इन द फ्यूचर। आप खुद सुन लीजिए। ब्रो होली का व्लॉग डालना आप अपने मेन चैनल पे। यार मैं उतना तो खेलूंगा ही नहीं होली, बट फिर उस व्लॉग में क्या डालूं देखते हैं। होली का नहीं, पहले तो एक मनाली वाला व्लॉग बना रखा है, एडिट करके डालना है बस। पता नहीं मैं क्यों नहीं एडिट कर रहा हूँ, पड़ा हुआ है वो बस। मतलब एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी इम्पोर्ट हो रखा है, एडिट करना बाकी है। करूँगा उसको, करूँगा एडिट में फिर आएगा। मस्त था वो भी, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे ट्राई करा था व्लॉग। मेक वीडियो विद BBS, यस ब्रो करेंगे इन फ्यूचर। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं सौरभ जोशी एंड गेमर फ्लीट के बारे में। सो गेमर फ्लीट के साथ सौरभ जोशी ने ये कर दिया। भाई ये फोन जो लिटरली रात के अंधेरे में, मतलब समझ रहे हो, काले अंधेरे में फेस आईडी ले लेता है। भाई मुंह में झाग लगा होता तब फेस आईडी ले लेता, अभी नहीं खुल रहा है ये। सौरभ भाई तुम्हें देख लूंगा मैं, देखना तुम भाई, बताऊंगा मैं अच्छे से तुम्हें। लेकिन एक बात बोलूं, मतलब सारी मजाक की बात को साइड में लेके, मेरा ना बहुत टाइम से ऐसा मूड खराब था। कोई तो चीज थी जो मुझे बुरी लग रही थी, मुझे खुद नहीं पता अभी तक क्या था वो, पर आज जो मजा आया ना भाई, थैंक यू सो मच यार। सौरभ भाई आई लव यू मेरे भाई, थैंक यू यार। इस पर सौरभ जोशी का है लव यू टू भाई। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AJ भाई YT ने कंप्लीट कर चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स, देन ग्रामीण वायरल ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स, देन टेक्नो गेमर्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स, देन YRF ने कंप्लीट कर चुके हैं 45 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली ऑफसाइड एडिट्स को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मैंने कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कैनेडियन लैड के बारे में। सो द कैनेडियन लैड अपने चैनल में मार्वल से रिलेटेड कंटेंट अपलोड रिव्यूज, ब्रेकडाउन्स एटसेट्रा, बट गेस व्हाट, उनको एक्टर एंड्रयू गारफील्ड पर्सनली मैसेज किए। जहां इसके बारे में उन्होंने ये कहा, लैड्स आई किड यू नॉट, आई थिंक आई जस्ट रिसीव्ड अ टेक्स्ट फ्रॉम एंड्रयू गारफील्ड फ्रॉम हिज सीक्रेट इंस्टाग्राम अकाउंट। गॉड आई एम लिटरली शेकिंग, आई डोंट नो इफ शेयरिंग अ स्क्रीनशॉट इज अप्रोप्रिएट एट द मोमेंट एज दैट्स हिज प्राइवेट अकाउंट, बट आई विल कीप यू लैड्स पोस्टेड। एंड फिर कुछ घंटों बाद उन्होंने अपडेट देते हुए फिर से एक लंबा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एंड्रयू गारफील्ड उनको अलाउ कर दिए उनका टेक्स्ट दिखाने का, एंड ही इज ऑल्सो गोइंग टू मेक हिज इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक सून। उनके नेक्स्ट वीडियो में इन सारे चीजों के बारे में वो रिवील कर देंगे। तो भाई दिस इज प्रिटी क्रेजी। इमेजिन आप किसी के ऊपर कंटेंट बना रहे हो एंड वो खुद आगे से आपको अप्रोच करके अप्रिशिएट करे, तो भाई बहुत ही सही लगता है। सो या चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।